नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। जैसे जैसे करके धीरे धीरे जब पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं अब बिहार में दूसरी तरफ कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग का एक बहुत ही अहम फैसला सामने आया है। इसमें जो भी चुनाव में अगर जो भी तैनात कर्मी होंगे, अगर उनकी मृत्यु कोरोना से होती है तो उनके परिवारजनों को 30 लाख की मुआवजे की राशि दी जाएगी। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बैठक के द्वारा डीएम को ये निर्देश दिया है कि जो तैनात कर्मी रहेंगे चुनाव में, उनको अगर उनकी अगर मृत्यु हो जाती है कोविड से चुनाव के दौरान, चुनाव में काम करने के दौरान, तो उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। ये पूरी खबर क्या है और राज्य निर्वाचन आयोग ने और क्या चीज बात की है और क्या निर्देश दिए हैं, इसके पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में तैनात कर्मियों के यात्रा भत्ता और मुआवजा राशि को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया है। आयोग ने पंचायती राज विभाग के संकल्प का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाइयों जैसे रोड माइंस ब्लास्टर, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण जैसी स्थिति में मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कोरोना से मौत होने पर भी 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अस्थायी रूप से विकलांगता या अंग भंग होने या अंधापन होने की स्थिति में 7.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने पर मुआवजे की राशि 15 लाख होगी। राज्य में 2,55,000 पदों के लिए चुनाव करवाया जाना है। इसमें 6 लाख से अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोरोना से कई मतदान कर्मी पीड़ित हो गए थे, कई मतदान कर्मियों की मौत भी हो गई थी, जिसके कारण इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने जिले के सभी डीएम को ये निर्देश दिया है कि अगर पंचायत चुनाव में किसी भी कर्मी की मौत होती है, अगर उसकी वजह कोई और हिंसा है, बम ब्लास्ट हो या फिर कोरोना हो, तो सबकी राशि भी अलग अलग तय की गई है कि उन कर्मियों को मुआवजे की राशि कितनी दी जाएगी। साथ ही हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में तैनात कर्मियों को यात्रा भत्ता और मुआवजा राशि को लेकर सभी डीएम को सख्त निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव में अगर किसी भी कर्मी की मृत्यु कोरोना से होती है पंचायत चुनाव के काम करने के दौरान, तो उनको 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है, जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो कर्मी है वो अपने जान पर खेलकर इस बार पंचायत चुनाव में तैनात होंगे, क्योंकि अगर बिहार में कोरोना केसेस की बात करें तो धीरे धीरे कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव की तारीख भी अब नजदीक आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की जो पहली तारीख है, जो पहले चरण का चुनाव होगा, वो 24 सितंबर को कराया जाएगा। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।